पेरिस ओलंपिक्स में मंगलवार का दिन भारत के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। सबसे पहले स्टार भारतीय पहलवान और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक्स के प्री क्वार्टर फाइनल में शानदार खेल दिखाया। उन्होंने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी। इस मैच में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यूई सुसाकी पहले ही आगे चल रही थी, लेकिन अंतिम 15 सेकंड में विनेश ने पूरी बाजी पलट दी। अब उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ध्यान रहे, इससे पहले सुसाकी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में एक भी मुकाबला नहीं हारा था। सुसाकी ने अब तक कुल 82 मैच खेले थे और हर एक मैच वो जीती थी, लेकिन अपने 83वें मैच में उन्हें विनेश ने धो दिया और अब विनेश से गोल्ड की उम्मीद लगाई जा रही है। माना जा रहा था कि विनेश के लिए पहला राउंड पार कर पाना काफी कठिन होगा, क्योंकि उनका मुकाबला जापान की उस खिलाड़ी से था जिसने टोक्यो खेलों में एक भी अंक नहीं गवाया था और गोल्ड मेडल भी जीता था। लेकिन विनेश ने गजब की हिम्मत दिखाई और पूरा मैच पलट दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट के लिए इतिहास अभी तक काफी अच्छा रहा है। हर एक जगह वो जहां भी गई हैं वहीं जीती हैं, लेकिन ओलंपिक खेलों में उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहता है। लेकिन इस बार ये मैच जीतने के बाद ऐसी आस लगाई जा रही है कि विनेश फोगाट शायद अपनी किस्मत बदल सकती हैं और ओलंपिक में उनसे गोल्ड मेडल आ रहा है।